नमस्कार, इंडियन मिडडे में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। नरसिम्हा राव को मिलेगा भी भारत रत्न। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न का ऐलान किया है। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। भारत सरकार की तरफ से अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। एक्स पर ये जानकारी साझा की गई है सरकार की तरफ से। देखिए, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं स्वामीनाथन, उनको भी आपको बता दें, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। चुनावी साल भी है, तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस बीच देखिए, खबरें कल ये भी आई थी मोनिका, आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं आरएलडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है, और एक बड़ा झटका न सिर्फ INDIA गठबंधन के लिए भी होगा, और यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जो बहुत सक्रिय रहती है हमेशा से और उनकी प्रमुख सहयोगी के तौर पर माना जाता है आरएलडी को, यहां पर एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। किसानों के मसीहा कहे जाते थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, बड़ा योगदान रहा है उनका, और आज भी किसान समुदाय जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्हें अपना नेता के तौर पर मानते हैं और आज भी उन्हें याद किया जाता है। देखो, जाटों का बड़ा चेहरा, यानी कि जाट वर्ग समूह का एक बड़ा चेहरा है चौधरी चरण सिंह। देखिए, आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री एक्स ने पे क्या क्या कुछ लिखा है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के उन अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के गृहमंत्री, और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण की गति को गतिशील बनाया। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर हमारे साथ खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरणा देती है। बिल्कुल, और अगर हम नरसिम्हा राव की बात करें तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उन्हें आज भी जाना जाता है। 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, और संगीत, सिनेमा, थिएटर के प्रेमी कहे जाते हैं। और अगर हम कहें तो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में अलग अलग शब्दों का, अलग अलग भाषाओं का वो उपयोग करते थे। उन्हें पसंद था ऐसा करना, और आज उन्हें भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है। देखिए, तेलुगु भाषा उन्होंने सीखी, लिखने का शौक था, हिंदी में कविताएँ लिखते थे और साहित्य की जानकारी उन्हें थी, सामान्य से अधिक ये जानकारी उनके पास थी। देखिए, आजाद भारत में चौधरी सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया, शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चौधरी सिंह को भारत रत्न की हमेशा से सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी, शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो, तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, आजाद भारत में तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरीके से साफ तौर पर रालोद के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी के दादा और किसानों के मसीहा कहा जाता था पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, और काफी समय से उनको भारत रत्न देने की मांग आरएलडी की ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से की जा रही थी। हालांकि इस बीच खबरें ये भी आई थी कि यहाँ सामंजस्य जो है समाजवादी पार्टी का रालोद से ठीक नहीं बैठ रहा है। इन तमाम अटकलों के बीच ये भी कहा जा रहा था कि INDIA गठबंधन को बड़ी हानि पहुंच सकती है। कोई दूसरा नहीं कर पाया, नहीं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सब महापुरुष लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में, तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात, रूरल इंडिया के इश्यूज को उठाते रहे पूरी जिंदगी भर, तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया और भारत रत्न का ऐलान किया। अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न का ऐलान हो चुका है। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं स्वामीनाथन, और एक बड़े वैज्ञानिक रहे। और इसी खबर पर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कुल 5 लोगों को अब तक भारत रत्न का ऐलान किया जा चुका है और आज 3 और नाम सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो 5 व्यक्ति जो इस साल जिनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, उनमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर थे, उनके बाद एल के आडवाणी थे, और आज 3 लोगों की खुद प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट करके जानकारी दी, जिसमें से एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे स्वामीनाथन, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है कि वो रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने भारत को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इतना ट्रांसफॉर्म किया, कहीं ना कहीं उसकी नींव उस वक्त रखी गई थी जो आज भारत है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री ने सराहा है। और अगर चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे जो कहाँ देश के हर एक किसानों की बात बोलते थे, किसानों को सशक्त करने की बात करते थे, और वही कारण है कि आज खाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या ना करा दे। यादव यहाँ पर कुछ बोलते हुए नजर आए हैं, साफ तौर पर कुछ ज्यादा कहते नजर नहीं आए। आनंद, देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में हम यूं कह सकते हैं जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर सवाल भी खड़े होंगे जो तमाम विपक्ष खड़ा करेगा कि भाई अब चुनावी साल में आप भारत रत्न का ऐलान कर रहे हैं, और रालोद की ओर से यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से पहले भी मांग कई बार कही गई है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। और देखिए टाइमिंग उस वक्त फिट बैठ रही है जब आप और हम कड़ी चर्चा कर रहे थे कि रालोद जो है वह बीजेपी के साथ आ सकती है, INDIA गठबंधन को बड़ी क्षति पहुंचेगी और समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगी कही जाती है। जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात की जाए तो उसमें एक चीज ही अटल होती है, वो है सत्ता या सरकार, और उसको साधने को लेकर नेता हर किस्म की कार्यवाही से आगे बढ़ता है और किसी प्रकार की कोई भी सोच नहीं रखता। और यही कारण है कि आप देखिए तमाम लोगों को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड आपको दर्शाएगा कि चुनाव को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश को कर रही है कि जिससे जीत को सुनिश्चित किया जा सके। कर्पूरी ठाकुर बिहार के बड़े नेता हैं, बिहार ट्रांसफॉर्म किया था उन्होंने, कहीं ना कहीं दलित पिछड़ों आदि पिछड़ों की आवाज माने जाते हैं, और अगर बिहार की बात की जाए 40 MP बिहार से आते हैं, और यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही भारत रत्न का ऐलान किया गया कहीं ना कहीं बिहार के जनों में या कहीं नेताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा था। अगर आप अब बात की जाए एल के आडवाणी वो नेता थे जिन्होंने बीजेपी के जड़ों को मजबूत किया था, बीजेपी को बनाया था, तो उनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसे ही इसका ऐलान हुआ कि एल के आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा तो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं तक उस लहर ने, उस खुशी की लहर ने छुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो तमाम कार्यकर्ता जो कि बीजेपी के हैं वो इससे मोटिवेट हुए थे। और लोकसभा चुनाव सर पे है तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर की था। और अब बात की जाए चौधरी चरण सिंह को, किसान नेता है, किसान से आज भी वो वोट बैंक है जो देश की इकोनॉमी में 50-70% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छूता है, तो उसको मजबूत करने के साथ साथ RLD चौधरी चरण सिंह उनके नेता के तौर पर जाने जाते हैं, किसान नेता जाने जाते हैं, और दुष्यंत के दादा है, तो कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों को लेकर गठबंधन की बातें भी हम कल जिक्र कर रहे थे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, देखिए तो बहुत उस गठबंधन की तरफ आगे बढ़ेंगी। और अगर बात की जाए लोकसभा, आनंद ये बहुत दिलचस्प है किस तरीके से यूं कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा गया, जाट वोट बैंक तो सामने और साथ में आ ही जाएगा। इसके अलावा यदि हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, दक्षिण से वो संबंध रखते थे और दक्षिण में ही कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी मजबूत करना चाहती है, जैसा हिंदी बेल्ट में काम करी है, हालांकि जनाधार बहुत कम है, लेकिन यहां से भी पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने से भी एक बड़ा निशाना साधने की कोशिश। चौधरी चरण सिंह को भारत देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत देने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार देखिए अपडेट आ रही है, सब अपनी बायर्स दे रहे हैं, सब अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आनंद, नरसिम्हा राव पे सवाल पूछा गया था आपसे, किस तरीके से अपने आप को दक्षिण में मजबूत करने की कवायद में बीजेपी जुट चुकी है, और ये पीवी नरसिम्हा राव को यूं कहें भारत रत्न देना इस बात की तस्दीक करता है, क्या माने, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, अगर आप देखिए बीजेपी की दक्षिण की पॉलिटिक्स तो आप कहीं ना कहीं उस चीजों को समझिए। कल ही YSR कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी आज सुबह पार्लियामेंट में आए हैं, उन्होंने नेता से मुलाकात की है, TDP के चंद्रबाबू नायडू पहले ही आ चुके हैं, और बीजेपी लगातार दक्षिण को लेकर अपने विस्तार को आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है जो कर्नाटक में उसकी हार हुई थी वो
जो एमपीज को इस लोकसभा में कहीं ना कहीं उसको अनुमान है कि वो कम होंगी सीटें, तो उसको बढ़ाने को लेकर दक्षिण में लगातार पैर पसार रही है। निर्मला सीतारमण को एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया, दक्षिण से आती है। पीवी नरसिम्हा राव खुद दक्षिण के नेता माने जाते हैं, तो दक्षिण को लेकर बीजेपी लगातार कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज कन्फर्म्ड श्री नरसिम्हा राव, दो ही बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। नाउ वी ब्लेम, आई ब्लेम द यूपीए गवर्नमेंट, स्पेशली द गांधी फैमिली। फ्रॉम 2004 टू 2014 व्हेन यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर इन सेंटर, लीव अलोन भारत रत्न, लीव अलोन एनी अवार्ड्स, द गांधी फैमिली वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग नरसिम्हा राव एज अ स्केप बोर्ड फॉर द फेलियर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सब महापुरुष लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में, तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात रूरल इंडिया के इश्यूज को उठाते रहे पूरी जिंदगी भर, तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो स्वागत योग्य कदम है। नहीं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं सब। तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान हो गया है। स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ट्वीट किया गया है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। कुल 5 लोगों को अब तक भारत रत्न दिया गया है, इसका ऐलान हो चुका है। और देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं, उनको भारत रत्न देने की सूचना दे रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस जॉय दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कन्फरिंग भारत रत्न ऑन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। The Honorable Prime Minister has tweeted, it is in recognition of his monumental contributions to our nation in agriculture and farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achieve self-reliance in agriculture during challenging times and made outstanding efforts towards modernizing Indian agriculture. I had the good occasion to interact with him when I first made an entry into the parliament. And I am sure everyone associated with agriculture and farming will be delighted. It is a day of great satisfaction for every farmer, every person in this country, that Chaudhary Charan Singh ji and Swaminathan ji have been accorded Bharat Ratna. Honorable members, another distinguished son of the nation, former Prime Minister, Sri P.V. Narasimha Rao Garu, has been honored with Bharat Ratna. Honorable members, he was known. Honorable members, please. G.V.L. Narasimha Rao. G.V.L. Narasimha Rao.
आई डोंट अप्रिशिएट इट. जीवीएल नरसिम्हा राव, आई डोंट अप्रिशिएट इट. सच प्रैक्टिसेस मस्ट बी कट डाउन. व्हेन भारत रत्न इज गिवन, इट इज एन ऑनर नॉट ओनली फॉर द पर्सन बट द एंटायर नेशन. श्री नरसिम्हा राव हैज बीन नोन एंड द प्राइम मिनिस्टर राइटली नोटिस्ड इट, अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड स्टेट्समैन. आई हैड मैनी ओकेजन्स टू पर्सनली इंटरेक्ट विद हिम व्हाइल ही वॉज प्राइम मिनिस्टर. ड्यूरिंग हिज टेन्योर देयर वर इश्यूज ऑन विच ही सॉट माई लीगल एडवाइस एंड सजेशंस. एवरी टाइम आई केम अवे enlightened. His approach was sagacious and full of sublimity. Honorable Prime Minister has indicated that Narasimha Rao Ji Garu is equally remembered for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. Narasimha Rao Garu's tenure as Prime Minister was marked by significant measures that opened India to global markets, fostering a new era of economic development. His contributions to India's foreign policy, language and education sectors underscore his multifaceted legacy as a leader who not only steered India through critical transformations but also unleashed its cultural and intellectual heritage. I am sure all these three awardees, it's a matter of satisfaction for every Indian. अच्छी बात है. और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और जमीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में काम किया, इसलिए उनके भारत रत्न से. बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था. और किसान आज पूरे एक एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का, बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं. स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में. और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूं, सम्मान है मुझे लगता है भारत रत्न पुरस्कार. और मोदी जी कभी पार्टी के दायरे में देश का विचार करते हैं, पार्टी का केवल विचार नहीं करते, और इसलिए देश में जिनका गौरव होना चाहिए उनका करते हैं. सभी प्रधानमंत्रियों का जो म्यूजियम है वो भी उस उदार दृष्टि का परिचायक है. और सब लोग मोदी जी को इस निर्णय को बहुत ही खुश है, और मुझे विश्वास है कि देश भर में यही स्वस्थ परंपरा कायम होनी चाहिए. जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा.
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट मिडडे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए नए सिरे से खबरों का आगाज करते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न, यह ऐलान किया गया है भारत सरकार की तरफ से। एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। देखिए, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। अब तक 5 लोगों को यदि हम बात करते हैं तो भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले कर्पूर ठाकुर को, एल के अडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करते हैं तो 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान हुआ है। एम एस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए आज उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा, इसका ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों के लिए बहुत काम इन्होंने किया है। और साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। कला के क्षेत्र में उनकी बहुत रुचि थी, अलग अलग भाषाओं को वो सीखना चाहते थे। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के वे 9वें प्रधानमंत्री भी रहे। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का श्रेय उनको मिलता है। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का निधन हुआ था। 9 फरवरी 2024 भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ में जन्मे। 1928 में गाजियाबाद में वकालत की शुरुआत करी। 1991 में वे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में न्याय और सूचना मंत्री बने थे। 1967 तक राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में वे गिने जाते रहे। भूमि सुधार कानूनों के लिए वे काम करते रहे। 1959 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू का विरोध भी उन्होंने किया था। 1967 में कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। भारतीय लोकदल के नेता के तौर पर वे जनता गठबंधन से भी जुड़े। और देखिए, 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने। 29 मई 1987 को दिल्ली में निधन हुआ। किसान नेता के तौर पर देश में पहचान बनाई है उन्होंने। सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार जी किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले कर। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारत के कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो गतिमान करने के लिए दुनिया को आश्वस्त किया है। ये प्रकट होता है कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह को और कृषि को बढ़ाने के लिए जो फार्मूला दिया स्वामीनाथन को, कृषि नेता स्वामीनाथन को, उन्होंने भारत रत्न का सम्मान दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आज जो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक राजनीतिक दल का, गांव और खेत और किसान की तरफ जो दृष्टि गई है, उस वो देन है चौधरी चरण सिंह की। चौधरी साहब का एक एक शरीर का कण, रक्त का कण कण जो है किसान के लिए समर्पित था और इसके लिए जिंदगी भर, जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो बात वो गांव के अंदर खड़े होकर के किसान के बारे में बोलते थे, वही कनाट प्लेस के अंदर के बोलते थे, ऐसा दूसरा कोई। दिल की गहराई से पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है और ऐसे तीन महान विभूतियों को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी और साथ साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति करने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके उन मनुष्यों को हम सब लोग याद भी करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चल। सामाजिक न्याय की योद्धा कर्पूरी ठाकुर से जो भारत रत्न देने का प्रारंभ हुआ है और फिर उसके बाद अडवाणी जी और आज इन तीन महापुरुषों को देने का ऐलान किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया, यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी
उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं पाकिस्तान चुनाव पर। बड़ा अपडेट आपको दे दें, इमरान खान समर्थक बिलावल की पार्टी में कांटे की टक्कर देखी गई है। दोनों के उम्मीदवार 21 सीट पर जीत गए हैं। नवाज को अब तक 17 सीटें मिली हैं। इधर नवाज शरीफ अपनी सीट से जीते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खास दिन माना जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो की पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें इमरान खान का समर्थन हासिल है, दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पाकिस्तान में वोटिंग कल हो गई थी और आज देखिए काउंटिंग जारी है, गिनती जारी है। और फिलहाल इमरान खान समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनमें और बिलावल भुट्टो की पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर आए नतीजे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं। रुझानों में इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ लाहौर की जो पार्टी है, इमरान खान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वह अगर नवाज शरीफ की बात करें तो लाहौर सीट पर जीत उन्होंने हासिल की है। देखिए नवाज और इमरान समर्थकों में 55,981 वोटों का अंतर फिलहाल चल रहा है। पीटीआई पर बैन की वजह से सभी नेता लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव और चुनाव में चलिए फिलहाल वक्त छोड़े से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, पाकिस्तान का दिन आज के लिए बहुत खास हो जाएगा क्योंकि आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल, जी हां, आज आपको बता दें कि तमाम जो कल चुनाव हुए थे उस पर ही आज चुनावी रुझान आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में वोटिंग के बाद काउंटिंग लगातार जारी है। तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ रहे हैं, हसन दुरानी जुड़े हैं जो कि 7 न्यूज चैनल से जुड़े हैं हमारे साथ, इसके अलावा चांद नवाब है जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुरानी साहब, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं सियासत में काफी फर्क देखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीद हम ये कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो है जीत उन्हीं की होगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कल रात तक जो था वो जो इंडियन मीडिया जो था उसके अंदर ये बात जो थी वो बड़ी जोरों शोर से बात चल रही थी कि इमरान अपना नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सत्ता में आ रहे हैं या पावर में आ रहे हैं। लेकिन कल रात ही जो था वो इंडियन चैनल्स के ऊपर ही मैं बैठा हुआ, उसमें बात कर रहा था, मैंने तो ये बात कर रहा था कि अभी उनके रिजल्ट पूरे नहीं आए और जब तक पूरे रिजल्ट सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक हम किसी भी एक चीज़ को फाइनल नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन जीतेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन जीतेंगे या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा होगा कि आजाद उम्मीदवार जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आ जाएगा कि वो एक पावर की सूरत अख्तियार कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी अगर आप देखते हैं जो अभी तक, अगर मैं आज की अभी तक की जो डेट के मुताबिक, जिस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1:12 हो चुके हैं, उसके मुताबिक टोटल जो रिजल्ट जो अब तक आए हैं वो अगर आप उनको कंपाइल करके अगर मैं आपको बताऊं तो वो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन 1,00,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं वो तकरीबन अगर आप उसको ओवर ऑन एवरेज अगर आप देखते हैं तो वो कोई 24-25% तक थी, 24-25% है। अभी आप कह सकते हैं कि 75% रिजल्ट अभी आना बाकी है, मतलब अभी अभी इंतजार हम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं दुरानी साहब, है ना? बिल्कुल चांद साहब, आप जी चांद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए चाहे भारत में इलेक्शन हो चाहे पाकिस्तान में चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है इसका जो असर होता है वह दोनों के रिश्तों पर पड़ता है। यदि हम बात करें इस वक्त जो सरकार बनेगी, जिस की भी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके रिश्ते कितने मजबूत हो पाएंगे भारत से, क्या लगता है इसका क्या असर इन तमाम पड़ोसी राज्यों पे, हमारे पड़ोसी राज्यों पे पड़ेगा, पड़ोसी देशों पे पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान में जो नतायज आ रहे हैं, कल पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, 5 बजे ख़त्म हुई और
आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने 48 सीटें हासिल की हैं पाक कौमी असम्बली में, और पीपल्स पार्टी ने 30 और नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून ने 25 सीटें हासिल की हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा, जबकि नवाज शरीफ ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था कौमी से, 1 से मानसेरा से हार गए, मौलाना फजल रहमान हार गए हैं, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जीत गए, आसिफ अली जरदारी जीत गए, शहबाज शरीफ जीते हैं, नवाज शरीफ 1 सीट से जीते, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो 48 सीटें लेके आज़ाद हैं, और जो भी हुकूमत बनाएंगे पीपल्स पार्टी बनाए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग लून बनाए, उनको जो है आज़ाद उम्मीदवार जिसको वोट देंगे जिस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जिस पर पाबंदी लगाई गई थी बल्ले का निशान। बिल्कुल, मैं यही बात जानना चाह रही थी दुरानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव चिन्ह पर भी रोक लगा दी गई थी, उसे फ्रीज कर दिया गया था। जो है ताल्लुकात बेहतर होंगे और ये उम्मीदें की जा रही है कि भारत भी बड़ा भाई और पाकिस्तान से बिल्कुल किस तरह का कैंपेन किया है तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों ने, इमरान खान के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, आखिर किस तरह का कैंपेन किया है, चुनाव चिन्ह इनके पास नहीं था। दूसरा, अगर हम सेना की बात करें तो सेना का साथ इनके पास नहीं था, तो ऐसा क्या कैंपेनिंग की है, किस तरह से प्रचार किया है जो इतना समर्थन इन्हें मिल रहा है पाकिस्तान की जनता का, जबकि लीडर जेल में बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपने देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के अंदर ही आपका जवाब है कि इमरान खान साहब 2018 में जब वो पावर में आए थे, ये सत्ता में आए थे, तो फौज की मदद से आए थे, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आए थे, ये आईएसआई की मदद से आए थे, और अभी आपने ये बात की कि इस दफा उनके साथ नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर शायद आपने इस बात को क्लेम किया है और आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन जो है फेयर हो रहे हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की या फौज की किसी किस्म की कोई अमलदारी या उनका कोई अमल इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को अगर उनका निशान वापस लिया गया था तो वो उनके ऊपर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से उनको ये कहा गया था कि वो अपने इंट्रा पॉलिटी इलेक्शन करवाएं। अब देखिए, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया की कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके मैनिफेस्टो के मुताबिक या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होता है जी। और जो भी पार्टी अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने से नाकाम होती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो सिंबल होता है उसको सैक कर लेती है। इस दफा अगर सैक हुआ तो क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई का सैक हुआ? नहीं, इसके अलावा पीटीआई के अलावा भी 18 पार्टीज और भी हैं जिनका के इलेक्शन सिंबल सैक हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आप तक नहीं पहुंची, तो लेकिन सबसे ज्यादा जी क्योंकि हमारे मुताबिक ये जो मुकाबला है ये 3 मुख्य पार्टियों के बीच ही है। नहीं, आपके मुताबिक है ना, आपके मुताबिक है ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें दूसरी राय भी कोई नहीं है। अच्छा देखिए चांद साहब, जरा ये भी बताइए, ये तो जग जाहिर है कि सेना जिसके साथ होती है सरकार उसकी बन जाती है, क्या आज भी वही तमाम चीज़ें चल रही हैं अंदर खाने में, क्या चला, हालांकि वो आप स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या अभी भी यही है कि नवाज शरीफ के साथ में सेना खड़ी हुई है? देखें, पहले मेरी मुझे बोलने दीजिएगा, इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन आज़ादाना हो रहे हैं, बिल्कुल हमारी अख्वाज या कोई इसमें शामिल नहीं होता, वो अपने फौजी माहिर हैं जो सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन आवाम ने जो फैसला दिया है वो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे यहाँ आज़ाद इंतखाबात हो रहे हैं, जैसे आपके यहाँ आज़ाद होते हैं, इस तरह फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराया है। तमाम मैं मिसाल देता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के हैं उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी है, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तब्दीली आई है, हमारी फौज अख्वाज जो है, हमारी सेना जो है, बिल्कुल इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करती कि नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, जैसे मेरे पाकिस्तानी एंकर ने बोला, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि फ़ौज हमारी कहीं नहीं होती है, अमन अमान के लिए बुलाई जाती है, लेकिन रेंजर्स और पुलिस ने तमाम कंट्रोल किया हुआ था, पूरा अमन। अच्छा, दुरानी साहब भी मौजूद है, चांद साहब दुरानी साहब से पूछ लेते हैं अमनो चैन के लिए, दुरानी साहब की बात भी लेते हैं ना, ये बात किसी से छिपी नहीं है, जग जाहिर है। देखिए, चांद साहब बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबका एक तरीका होता है सरकार को चलाने का, आपके देश का तरीका शायद दूसरा हुआ होगा, दुरानी साहब ये बात किसी से छिपी नहीं है, सेना के साथ जो होता है उसकी सरकार बनती क्या भी है। एक सेकंड चांद साहब, आपकी बात आ गई, दुरानी साहब की बात ले लें जरा, दुरानी साहब बोलिए आप।
इमरान खान को बात कर रहे हैं कि एक हद तक तो एक सिचुएशन को मैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इस बात को मानता भी हूँ लेकिन अगर आप 2018 के बाद का सिचुएशन खास तौर पे जो अगर आप देखते हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ जिसमें कि इमरान खान साहब चांद साहब रुकिए जरा बोलने दीजिए मंच दिया है बोलने के लिए बोलने दीजिए। दुरानी सारी डिस्कशन हो रहा है सर राय। सर उन्हें भी बोलने दीजिए, चांस आपने भी बोला दीजिए। जी दुरानी साहब बोलिए। जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए 2018 के इलेक्शन तक जो था वो तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कि आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस बात का बबांगे दोहल इकरार भी किया कि मैं जो भी हुकूमत कर रहा था वो आर्मी की मदद से ही कर रहा था और मैं अगर सत्ता के अंदर आया भी था तो मैं आर्मी की मदद से ही आया था और जितनी चीजें मैनेज हो रही थी वो आर्मी और आईएसआई जो है वो मेरे लिए कर रही थी। लेकिन उसके बाद अगर आप तहरीके आज़मी एतमाद के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इंटायरली चेंज हो चुकी है। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब हमें ये कह रहे थे, खासतौर पर इंडियन जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी दो तीन दिन मुसलसल बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि आर्मी जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। तो मैं उनको ये कह रहा था कि अगर आर्मी नवाज शरीफ के साथ है और वो उसको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक रात के अंदर ही फैसला हो जाएगा। रात को 2 बजे तक हर किस्म का रिजल्ट जो है वो नवाज शरीफ के हक में होगा। लेकिन आप अगर आप सिचुएशन देखते हैं और आप रिजल्ट्स को देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त इंडिपेंडेंट जो कि आपके बकौल पीटीआई के हिमायत याफ्ता है, ये इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है वो भी, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त लीड कर रही है टेबल के ऊपर। लेकिन अगर आप दुरानी साहब, बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं ना इमरान खान पे, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से वे घिरे हुए हैं, जीत भी जाते राहत नहीं आसान हो जाएगी चांद साहब उनके लिए, क्या लगता है आपको? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के चांद साहब क्या लगता है? सर देखिए मुझे बोलने दें या तो मैं काट देता हूँ। आपको बोलने के लिए बुलाया ना, बोलिए। आप नहीं बोलने दे रहे, एक नॉन प्रोफेशनल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को आपने बिठाया हुआ है। नहीं नहीं ये तरीका नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए, मुझे अगर बुलाया पैनल चांद साहब, आप देखिए समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा फोन बोलने दीजिए, बोलिए आप अपनी बात रखिए ना, मंच दिया है। नॉन प्रोफेशनल आदमी को अरे चांद साहब अपनी बात रख रहे हैं या नहीं? चांद साहब अपनी बात रख रहे हैं या नहीं? नहीं किस तरह रहता मैं छोड़ दुरानी साहब, आप इस बात का जवाब दें। बोलने दे, देखे 2018 के इलेक्शन में भी आवाम ने वोट दिए थे, तहरीक इंसाफ को जितवाया था। सॉरी मुझे देखे बोलने दे, बिल्कुल नहीं बोले आप मिस्टर चांद साहब, आप विरोध ज्यादा कर रहे हैं, अपनी बात कम रख रहे हैं। विरोध करिए लेकिन अभी विरोध करिए, आपसे खाली जानकारी हम ले रहे हैं। इमरान खान को आवाम ने जितवाया था। चलिए समय समाप्ति हो गई है, अब समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, अब हम आप ना तो आपका सवाल ले पाए ना उनसे जवाब ले पाए हैं। मोनिका बिल्कुल बहुत कम शब्दों में मैं दुरानी साहब आपसे जानना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में आखिर ऐसी क्या चीज रही मैनिफेस्टो में, जिस भी पार्टी की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, आखिर पाकिस्तान की जनता चाहती क्या है जो भी चुनकर आएगा उससे, बहुत कम शब्दों में। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो इस वक्त बहुत बुरी तरह, बहुत ही बुरे तरीके से। तो हमारे साथ पाकिस्तान से 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे जिन्होंने साफ बताया कि इस बार जो है सेना हावी होती नजर नहीं आ रही, हालांकि अभी नतीजे फाइनल नहीं है, सिर्फ रुझान जाते जाते तमाम बातें भी कह गए कि ऐसा 2 बजे तक पता चल जाएगा कि सेना का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।